सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जो पाश्चात्य दर्शन में संशयवादी ह्यूम हैं, उन्हें कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने संशयवादी माना है। क्या कारण था कि ह्यूम को संशयवादी कहा गया, उस पर कुछ आधार हैं, उसको देखते हैं। परीक्षा के दृष्टि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अतः ध्यान लाकर सुने और देखें। ह्यूम कहता है कि मुझे यह कभी अनुभव नहीं होता कि बाह्य वस्तुएं मन में संस्कार उत्पन्न कर रही हैं, इसलिए मैं बाह्य जगत के बारे में निश्चय पूर्वक कुछ कह नहीं सकता। इसलिए विवेक सम्मत विश्वशास्त्र संभव नहीं है। ह्यूम कहता है कि जब मैं अपने भीतर झांकता हूँ तो मुझे मेरी आत्मा का कोई संस्कार प्राप्त नहीं होता, इसलिए मुझे मेरी आत्मा का कोई आइडिया नहीं है। अतः अविवेक सम्मत मनोशास्त्र संभव नहीं है। ह्यूम कहता है कि मुझे ईश्वर के अस्तित्व तथा उसके गुणों के बारे में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसलिए मैं उसके बारे में निश्चित पूर्वक नहीं कह सकता। अतः विवेक सम्मत ईश्वर शास्त्र संभव नहीं है। ह्यूम कहता है कि मुझे विवेक सम्मत अच्छे बुरे शुभ अशुभ आदि का ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें जो पसंद आता है उसे हम अच्छा कह देते हैं तथा जो पसंद नहीं आता उसे बुरा कह देते हैं। क्योंकि अच्छे बुरे का ज्ञान विवेक द्वारा नहीं बल्कि भावनाओं से निश्चित होता है, अतः विवेक सम्मत नीति शास्त्र संभव नहीं है। उपरोक्त आधारों पर पाश्चात्य विद्वान ह्यूम को संशयवादी कहते हैं, किंतु ह्यूम संशयवादी नहीं है, क्योंकि वह कहता है कि मैं संशयवादी नहीं हूँ। जैसे मैं उक्त वर्णित सिद्धांतों पर संशय करता हूँ, उसी प्रकार संशयवाद पर भी संशय करता हूँ कि यह ठीक नहीं है। ह्यूम कहता है कि संशयवाद मन की बीमारी है, दार्शनिकों को ही होती है। इस रोग का उपचार बताते हुए कहता है कि हमें हमारे सामान्य विश्वासों के अनुसार सोचना और करना चाहिए। ह्यूम कहता है कि सीमित संशयवाद रखना उचित है, क्योंकि हमारे बोध ज्ञान का क्षेत्र सीमित है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने की शक्तियाँ सीमित हैं। इसलिए इस शक्ति को हमें सीमित विषयों में ही प्रयोग लाना चाहिए। डेकार्ट संदेह की विधि को प्रारंभ करता हुआ कहता है कि मैं दुनिया की प्रत्येक वस्तु पर संदेह करूंगा और कहूंगा कि हो सकता है यह सत्य नहीं है। इस क्रम में डेकार्ट सर्वप्रथम इंद्रिक ज्ञान पर संदेह करते हुए कहता है कि इंद्रिक ज्ञान सापेक्ष होने के कारण स्वतः प्रमाणित तथा परतः अप्रमाणित है। इसके अतिरिक्त इंद्रियां कभी भ्रामक ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं, जैसे रस्सी में सर्प, रेगिस्तान में जल का ज्ञान आदि। इसलिए इंद्रिक ज्ञान असत है। जिस प्रकार इंद्रिक ज्ञान असत है, उसी प्रकार तार्किक ज्ञान गणितीय ज्ञान भी असत है। इस संदर्भ में
डेकार्ट संदेह करता हुआ कहता है कि हो सकता है कि कोई प्रेत मेरे मन में 2+2=4 कर देता है। डेकार्ट वैज्ञानिक ज्ञान पर भी संदेह करता है, क्योंकि विज्ञान स्वयं अपने निष्कर्षों के भविष्य में असत्य हो जाने की संभावना से इनकार नहीं करता। वैज्ञानिक निष्कर्ष तभी तक सत्य हैं जब तक कि कोई नवीन सिद्धांत इनका खंडन नहीं कर देता। इसी प्रकार डेकार्ट प्रत्येक परंपरागत विचार, मान्यताओं आदि पर संदेह करता रहता है। संदेह करते करते डेकार्ट के मन में एक विचार आता है कि भले ही मैं दुनिया की प्रत्येक वस्तु पर संदेह करूं, लेकिन इस पर संदेह नहीं किया जा सकता कि सोचना हो रहा है। यदि मैं इस पर संदेह करूं कि मैं नहीं सोच रहा हूं, तो भी मैं सोच रहा हूं। इस विचार ने डेकार्ट की बुद्धि में तार्किक विरोधाभास पैदा कर दिया, इसलिए डेकार्ट संदेह की पद्धति को त्याग देता है, क्योंकि उसे असंदिग्ध सत्य प्राप्त हो गया था, जिसे प्राप्त करने के लिए उसने संदेह पद्धति को स्वीकार किया था। डेकार्ट कहता है कि सोचना हो रहा है और सोचना गुड़ है आत्मा का, अतः आत्मा या आत्मसत्ता असंदिग्ध है। वह अपना असंदिग्ध सत्य प्रस्तुत करते हुए कहता है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, आई थिंक देयर फॉर आई एम, कोचिडो एर्गो सम। डेकार्ट कहता है कि मैं स्वयं सिद्ध हूँ। उसे सिद्ध करने के लिए तर्क देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आत्मा नहीं है तो तर्क कौन देता है। डेकार्ट कहता है कि मेरे सोचने से मेरी आत्मा का अस्तित्व होता है, शरीर का नहीं, क्योंकि सोचना आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। साथ ही डेकार्ट यह भी कहता है कि मेरी आत्मा का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है, अन्य की आत्मा का नहीं, क्योंकि मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो भी सोच रहा है या सोच रहा होगा। डेकार्ट ने जिस असंदिग्ध सत्य को प्राप्त किया, उसमें अस्पष्टता एवं सुभिन्नता दोनों है। अस्पष्टता इसलिए है क्योंकि एक विशुद्ध अतिंद्रिय अनुभूति है, जिसे निर्विकल्प बुद्धि ने प्राप्त किया है। यह ज्ञान सुभिन्न इसलिए है क्योंकि यह मौलिक ज्ञान है। मौलिक ज्ञान से तात्पर्य ऐसे ज्ञान से है जिसे प्राप्त करने के लिए अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। डेकार्ट की संदेह की पद्धति को देखकर हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए कि डेकार्ट संदेहवादी संशयवादी दार्शनिक हैं।
क्योंकि डेकार्ट का संदेह पदार्थ है, तदर्थ है, अंतिम नहीं। अर्थात डेकार्ट असंदिग्ध सत्य की प्राप्ति के लिए संदेह को एक साधन के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए उनका संदेह विधि मूलक है, न कि तंत्र मूलक। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।